हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में गूगल पे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है गूगल पे बिजनेस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन किया है कि गूगल पे बिजनेस लॉगिन डेस्कटॉप, क्या गूगल पे बिजनेस क्या डेस्कटॉप पे लॉगिन होता है या पीसी लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं क्या? दोस्तों, नहीं कर सकते। उसके लिए खास करके ऐप बनाया गया है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आपको उसी से करना है और समय टू समय, टाइम टू टाइम आपको गूगल पे बिजनेस को अपडेट करता रहना, ताकि आपको अच्छे से अच्छी सर्विस मिलते रहे गूगल पे बिजनेस की तरफ से। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनके पास एप्पल मोबाइल है, तो एप्पल मोबाइल में गूगल पे बिजनेस डाउनलोड नहीं होता है। बहुत लोगों के पास एप्पल मोबाइल है और उनको यही सारी प्रॉब्लम आ रही है कि उनका ओपन ही नहीं होता है उसमें, तो उनके लिए बना ही नहीं है फिलहाल। अब पता नहीं क्यों नहीं बना है, वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन उनको उनके लिए नहीं है, वो डाउनलोड नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन किया है कि गूगल पे बिजनेस का कस्टमर केयर नंबर क्या है। तो दोस्तों, कस्टमर केयर नंबर पे अगर कॉन्टेक्ट करना है आप लोगों को, तो सीधा है आपको ऑप्शन में जाना है, राइट क्लिक करके जाना है, जो तीन बिंदु दिखेगा वहाँ पे क्लिक करना है और जाके वहाँ पे एक हेल्पलाइन सपोर्ट करके ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके और वहाँ पे आपका छोटा सा इशू लिखना है कि आपको क्या इशू है। छोटा सा गैप होगा उसमें, आपको छोटा सा रिटर्न लिखना है कि आपको क्या क्या इशू है। उसके बाद कनेक्ट टू कॉल करना है। अगर आपको कोई इशू में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं स्पेशली उस वीडियो को बना के आपको दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आया है कि गूगल पे लॉगिन करने में, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, जब गूगल पे बिजनेस अपना बनाते हैं ना, तो वो लोग भूल जाते हैं अपना मेल आईडी, कि वो उस टाइम मेल आईडी कौन सा रजिस्टर्ड किया था गूगल पे बिजनेस में। और बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में ना दो तीन मेल आईडी रख देते हैं, उसके कारण वो भूल जाते हैं कि मैंने कौन से मेल आईडी से ओपन किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलनी है दोस्तों। जिस तरह आप बैंक में या फिर कहीं पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हो ना, उसी तरह आपका मेल आईडी हो गया है। अभी मेल आईडी आपको हर जगह मांगते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया है। जिस तरह आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब हो गया, उस तरह आपका मेल आईडी भी हो गया है। क्योंकि दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन आता है या कुछ अपडेट आते हैं या बैंक से रिलेटेड कोई भी SMS आते हैं ना, तो वो सारे मेल आईडी पे आते हैं। तो आपको मेल आईडी बहुत ही सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, ताकि वो उस मेल आईडी कोई हैक ना कर सके। नहीं तो क्या होता है कि लोग नया मोबाइल लेते हैं और एक टाइम मेल आईडी बना देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, और फिर कभी नया दूसरा मोबाइल लेते हैं, फिर उस मेल आईडी को भूल जाते हैं और फिर नया क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको जब भी आप गूगल पे बिजनेस के लिए मेल आईडी बना रहे हो, तो उस चीज़ मेल आईडी को लिख लीजिए, उसके पासवर्ड लिख लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो याद रहे मेल आईडी, और आपको गूगल पे बिजनेस में लॉगिन करते समय परेशानी ना हो। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि मेल आईडी भूल जाते हैं और उसके कारण क्या होता है कि फिर वो नहीं बना देते हैं, फिर वो नया बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा गूगल पे बिजनेस नया बन जाए, और वो नया नहीं बन पाता है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होता है। और कोई भी सेल्समैन है वो नहीं बनाता है, वो इसलिए नहीं बनाता नया क्योंकि दोस्तों उसमें उनके कुछ इश्यूज रहते हैं, इसलिए वो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए वो नहीं बनाते। तो आप लोग को हमेशा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने मेल आईडी दिया है गूगल पे बिजनेस में, तो उसे याद रखिए, नहीं तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, आप तरह तरह के मेल आईडी चेंज करते रहोगे और ये चीज़ बढ़ते जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है गूगल पे बिजनेस से, तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर मुझसे हो सका तो मैं उसका सोल्यूशन ढूंढ के आपको ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों, गूगल पे बिजनेस में बहुत लोगों को इशू क्या आता है कि पेमेंट का दोस्तों ये इशू आता है ना, कि जब कोई पेमेंट करता है, स्कैन करके पेमेंट करता है ना, तो वो कभी कभी इंस्टेंट अकाउंट में नहीं जाता है और कभी कभी इंस्टेंट चला जाता है। तो आपको ये बाजू में ऑप्शन होगा कि अगर आपको क्या इंस्टेंट वो पैसा बैंक में चाहिए या फिर इंस्टेंट नहीं बल्कि दूसरे दिन चाहिए। एक्चुअली क्या है, बहुत कस्टमर लोग पेमेंट करते हैं ना दोस्तों, तो फिर तुरंत सेटलमेंट नहीं होता अकाउंट में, वो एक दिन लग जाता है, दूसरे नेक्स्ट डे में 6-7 बजे के करीब वो दुकानदार के अकाउंट में आ जाता है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना दोस्तों, तो आप ध्यान में रखिए, कभी कभी इंस्टेंट नहीं आता है। अगर आपको इंस्टेंट लेना है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि मुझे इंस्टेंट क्रेडिट हो जाए अकाउंट में, या फिर दोस्तों आपको वहाँ पे जाके
वहाँ पे जाके चेक करना है ऑप्शन में कि आपका इंस्टेंट पे लिखा है कि डे वन के बाद क्लियर करना है, वो चीज़ आपके पे डिसाइड करता है। और दोस्तों बहुत सारी ऐसे इश्यूज है जो कि इशू नहीं है लेकिन जो दुकानदार है उनको पता नहीं रहता है, इसके कारण उनको लगता है कि गूगल पे में बहुत सारे खराबियां हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स है, तो बहुत सारा ऑप्शन दिया है उन्होंने लेकिन किसी को पता नहीं है। तो ऐसी जानकारी को समझने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई इशू है तो आप हमारे कमेंट में करके बताइए, उस चीज़ का ज़रूर सोल्यूशन दूंगा मैं।